नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ अंशिका नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने जो नोटिस जारी किया था इसके बाद से ही इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने पेश होना है ऐसे में राहुल की पेशी पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है जिसके तहत पूरे देश में वो पार्टी के लोग देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह करेंगे और दिल्ली में पार्टी के सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जांच एजेंसी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे अब केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस इस

वो गांधी जी जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया कभी घूस नहीं खाई सरकार के पैसे को अपना बनाने के लिए कोई तिकड़म नहीं अपनाया ये तो वही बात हो गई चोरी और सीना चोरी की जी। आप चोरी करेंगे घपला करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे और सत्याग्रह भी करेंगे तो ये तमाशा ये कांग्रेस पार्टी को उल्टा पड़ने वाला है क्या है कहानी कांग्रेस इस चीज को भुनाना चाहती है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मोदी सरकार के ऊपर सवाल पूछती है इसलिए हमें तंग किया जा रहा है मोदी सरकार वेंडेटा के तहत बदले की कार्रवाई कर रही है हमें चुप कराना चाहती है लेकिन हम लड़ेंगे हम सत्याग्रह करेंगे हम आजादी की लड़ाई के दौरान जिस तरह से होता था वो काम करेंगे संविधान को बचाने हम निकलेंगे भाई संविधान तब बचेगा जब भ्रष्टाचारियों को बहुत कड़े से और बहुत जल्दी पनिशमेंट मिले तब संविधान बचेगा डॉक्टर साहब बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो आरोप लगे उन्हें फर्जी बताया जा रहा है ये आरोप फर्जी है या नहीं है ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा तो ये जांच से पहले क्यों इतना तमाशा क्रिएट कर रहे ये एक ओपन एंड शट केस है कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि मां बेटे दोनों बेल के ऊपर बाहर हैं नहीं तो जेल के अंदर होते मसला कोर्ट में ये जब पहुंचा था उसी वक्त इसे खारिज कर दिया गया होता जी। और यह कहना भाई मोदी सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है तो उसके टाइमलाइन को भी समझ लीजिए यूपीए के सरकार के दौरान ही यूपीए के सरकार के दौरान ही ये केस दर्ज कराया गया था 2013 में जी। में और चूंकि कानूनी कार्रवाई वो अलग अलग चलती है सुनवाई होती रही चलती रही केस को एक्सेप्ट किया गया और जब यह तय हो गया कि हां इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी ने गड़बड़ की है जी। तब जाकर के इन्होंने बेल लिया और बस इसमें बस टाइमिंग बस इतना ही है कि 2014 मई में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है और जून में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और ये बेल वेल लेकर के बाहर आ जाते उस समय भी सारे सारे पहुंचे थे तमाम बड़े बड़े वकील सोनिया गांधी और कि भाई ये केस ही नहीं है ये फर्जी है फलाना है चलाना सारा कुछ इन्होंने कह दिया कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग ये मामला तो गड़बड़ है क्या है मामला ये भी समझ लीजिए ये जो एसोसिएटेड जनरल जिसका नेशनल हेराल्ड अखबार है दो अखबार एक उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी अब जब अखबार है तो सरकार आपको ऑफिस के लिए ज़मीन भी देती है जगह भी देती है तो प्राइम लोकेशन में पूरे देश में चुके है नेशनल लेवल का अखबार और प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू तो हर जगह इनको जमीन वगैरह अलॉट किया गया प्राइम लोकेशन में जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पे है बैंड्रा में मुंबई में है पंचकुला में है तो लखनऊ में है हर जगह आप नाम लीजिए आपको मिल जाएगा और ये अखबार किसका है कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा जो कंट्रोल करेगा कांग्रेस को वो इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कंट्रोल करेगा ये परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाने देना है और ये फैसला नहीं हो पा रहा है ये गांधी परिवार के अंदर ही सब कुछ घूमता रहता है इसके पीछे वन ऑफ द रीजन यह भी है कि तमाम प्रॉपर्टीज इस तरह के और भी कई सारी चीजें हैं वो उनके हाथ से चला जाएगा इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब हुआ ये कि अखबार तो बंद हो गया था अखबार बंद और 2009-10 में लालच जगी इन लोगों की कि भाई नेशनल हेरल्ड का तो इतना प्रॉपर्टी है 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है ये अब इसमें मालूम चला कि अखबार बंद हो गया और इन्होंने नई कंपनी बना ली यंग इंडिया राहुल गांधी जो लोग नेशनल हेराल्ड उसके जो स्टेक होल्डर थे वैसे स्टेक होल्डर इसमें भी यंग इंडिया में कौन लोग हैं तो सेवेंटी सिक्स परसेंट स्टेक्स जो है वो वो गांधी परिवार के पास है सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास तो कंपनी आपने बना ली और आपने क्या किया कि ये जो नेशनल हेराल्ड है उसको आपने खरीद लिया कैसे खरीदा कांग्रेस पार्टी ओनर है उसकी और ये जो ओनर है इसने एक नई कंपनी बनाई आपस में ही खरीद बिक्री कर रहे हैं अब अखबार तो बंद है लेकिन सरकार की तरफ से ये जो सुविधाएं जो जमीन दी गई है आपको ऑफिस खोलने के लिए अगर अखबार नहीं है अखबार बंद है तो ये प्रॉपर्टीज कहाँ जाएगी वापस सरकार के पास क्योंकि सरकार ने आपको दिया है अखबार चलाने के लिए लेकिन उन्होंने ये किया कि भाई इसको अखबार बंद है तो उसको चूंकि हमारी सरकार है हम मालिक हैं देश के इस माइंडसेट से आपने यंग इंडिया को बेच दिया कैसे बेचा कितने में बेचा क्या किया नहीं किया तो मालूम चला कि उसमें अस्सी करोड़ नब्बे करोड़ के आसपास उगाही उनको लेनी थी और ये राइट आप ले ले रहे हो सब कुछ खरीद करके वो पचास लाख रुपए में और पचास लाख का पेमेंट भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब ये समझ लीजिए राहुल गांधी और गांधी परिवार ने डिसाइड किया कि गांधी परिवार की कंपनी को बेच देना है तो उस कंपनी वो भी गांधी परिवार का तो ये दूसरा गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड का गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी गा, गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड के गांधी परिवार को कहा कि भाई हमें खरीदना चाहता हूं बेच दो उसने कहा कि भाई इतना इतना उगाई है, ये है वो है वो जी। पचास लाख रुपए में आपने खरीद लिया पेमेंट कौन कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार खरीदने वाला कौन तो राहुल गांधी गांधी परिवार का वो यंग इंडिया आपस में ये लोग सब तो सुब्रम स्वामी ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया कि हेरा फेरी है अखबार बंद तो आप उसमें ये काम करें दिक्कत कहां है दिक्कत ये हो गई कि आपने जो दफ्तर आपको अखबार चलाने के लिए दिया गया था वहां आपने किराया लगाना चालू कर दिया आप उसे पैसे कमाने लग गए आप मॉल खोलने लग गए आप बेचने लग गए तो ये सारी चीजें ये घपलेबाजी में ये रंगे हाथ पकड़े गए तो डॉक्टर साहब अब क्या इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गाज गिर सकती है और अगर ईडी की पूछताछ के बाद दोनों पर ही गाज गिरती है तो फिर इस सत्याग्रह का क्या होगा सत्याग्रह तो ये इसलिए किया जा रहा है वो कहते हैं भाई नाखून कटा करके हम शहीद घोषित करें ये, कर ये देखिए हमारे ऊपर ये जुल्म सितम हो रहा है कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को किस बात की सजा दी है यूपीए के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उसी की सजा मिली है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी आज न घर की रही है न घाट की रही है अंदर विद्रोह हो रहा है और बाहर ये हंसी के पात्र बने हुए हैं हर कोई नेता ऐरा गैरा न थो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर कमेंट देकर के निकल जाता है और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाती तो ये भ्रष्टाचार का मसला है यहां आप चोरी भी करेंगे और सीना भी करेंगे आप खुद को शहीद बताएंगे सत्याग्रह जैसे शब्द का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो देश की जनता तो इतनी बेवकूफ है नहीं ये कह रहे भाई कि नेशनल हेराल्ड को लेकर के गलत अफवाहें फैलाई अरे भाई तुम गुलाम हो कांग्रेस पार्टी की तो तुमको गांधी परिवार जो सबसे बड़ा परिवार नजर आता है कि उसको तो पूरे देश के मालिक हैं महाराजा राजा धिराज ये चलेगा नहीं जी। अभी तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं भाई चीन से आप पैसे क्यों लेते हो जी। आप चीन से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे क्यों लेते हो आप देश के दुश्मन जो दुश्मन मुल्क है चीन उसके एम्बेसी से अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन में आप पैसे क्यों लेते हो किस बात के ले लेते हो आप जाकर नाइक से, से पैसे लेते हो आप पता नहीं कौन कौन सा कुकर्म करते हो जी। और उसके बाद आप बड़े बेशर्मी से कहते हो कि भाई हम तो पाक साफ है इस पूरे केस में न सिर्फ ये लोग फंसने वाले हैं बल्कि ये जो गांधी परिवार जो अब तक नेशनल हेराल्ड के सारे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हुआ है, वो उनको सरकार को हैंडओवर भी करना होगा क्योंकि आपके विम्स एंड फैंसी के लिए मॉल खोलने के लिए ये जगह जमीन आपको नहीं दिया गया है और इतना बड़ा घोटाला और आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हो कि भाई वेंडेटा पॉलिटिक्स है मतलब ये कि आप विपक्ष में हो तो आपको आपके सारे पाप को सिर्फ इस बात के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए कि हम विपक्ष में हैं हमारे पर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो अन्याय कहलाएगा वेंडेटा कहलाएगा तो ये सब बेकार की बातें हैं कांग्रेस पार्टी को इस केस में बहुत उसको कह सकते हैं कि बहुत बेजती अभी उठानी है क्योंकि ये जैसे जैसे मसला आगे बढ़ता जाएगा और भी कई सारे कुकर्म जो है वो सामने आते रहेंगे जी बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर घोटाले के आरोप लगाए गए जिसके बाद इस केस में हालांकि पहले राहुल गांधी गांधी और सोनिया को जमानत मिल गई थी लेकिन अब फिर एक बार इस केस की फाइल खुली है जिसमें राहुल और सोनिया गांधी को ईडी की ओर से समन किया गया है और पेश होने के लिए कहा गया है और इसी पर अब कांग्रेस पार्टी बौखलाई है जिससे पार्टी का डर साफ दिखाई दे रहा है इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल मैं मेरे साथ आज इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें